हेलो दोस्तों, मैं हूं तृप्ति और स्वागत है आपका पिनिकल कैरियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश स्टेटिक जीके, जिसके आज पार्ट 4 है। इसके पहले हम पार्ट 3 बना चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे एमपी के जो भी पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं। उससे हमने एमपी से रिलेटेड सारे चीज़ें करवा चुके हैं। अब इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की सीरीज़। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोलबेड मिथेन के भंडार रिलायंस इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए हैं? जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसको मध्य प्रदेश में कोलबेड मिथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये पूछा है कि कहाँ पर है, उनको कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, सुहागपुर से उन्हें कोलबेड मिथेन के जो भंडार है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में ही एकमात्र हीरा होता है और इसमें पूछा है कि हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर तो इजीली आप बता ही सकते हैं कि प्रथम स्थान है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में जो पन्ना है वहां पर ही हीरा पाया जाता है। अब नेक्स्ट है, एशिया में सबसे मोटी परत का कोयला कहाँ पाया जाता है? अब पूरे एशिया की बात की है, एशिया बहुत बड़ा है और उसके अंदर भी आता है भारत, और भारत के अंदर आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर आता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, सिंगरौली। ये भी आपको पता ही होगा कि एशिया की नहीं, मध्य प्रदेश के ही नहीं, एशिया की सबसे मोटी परत का कोयला जो है वो सिंगरौली में ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का एकमात्र टंगस्टन उत्पादन किस स्थान पर होता है? फ्रेंड्स, टंगस्टन जो होता है, जैसे जो हमारा बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। अब इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र टंगस्टन उत्पादन किस स्थान पर होता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, होशंगाबाद में। होशंगाबाद के अगर गांव में टंगस्टन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन, फ्रेंड्स इसके पहले जो है होशंगाबाद जो अगर गाँव जो है होशंगाबाद को मध्य प्रदेश में कब स्थान मिला था? नेक्स्ट है, सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन जिला कौन सा है? सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन जिला कौन सा है? मंडला, छिंदवाड़ा, सागर या दमोह? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा। सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन जिला जो है वो छिंदवाड़ा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन के लिए प्रख्यात मझगवा की जो खान है वो कहाँ पर स्थित है? इन्होंने पूछा है कि मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन के लिए जो मझगवा की खान है बहुत ही प्रख्यात है वो कहाँ पर है? रीवा में, दमोह में, दतिया या सतना और पन्ना की सीमा पर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आता है सतना और पन्ना की सीमा पर। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादित होता है और इसलिए इसका आंसर भी आता है सतना और पन्ना की सीमा पर मझगवा खान स्थापित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिगत खान भारवेली जो है वो कहाँ पर स्थित है? फिर से मरवेली लिखा है, गलत है, भारवेली है इसका आंसर इसका क्वेश्चन में। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिगत खान भारवेली खान जो है वो कहाँ पर है? मंडला में है, उमरिया, बालाघाट या रीवा में है? फिर हमारे आंसर देने से पहले आप कोशिश करना कि हम खुद आप मतलब आप खुद ही आंसर लगा पाओ कि आपके कितने सही हैं। तो इसका आंसर अभी मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है बालाघाट में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिगत खान भारवेली जो है वो बालाघाट में है। हमारे आंसर देने से पहले आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए कि हम कौन सा आंसर दे रहे हैं और हम कितने पानी में हैं, कि हमको एमपी जीके बन रहा है या नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले बॉक्साइट कहाँ से उत्खनन किया गया था? मध्य प्रदेश के सबसे पहले बॉक्साइट कहाँ से उत्खनित किया गया था? जबलपुर से, कटनी से, इटारसी से या छिंदवाड़ा से? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, कटनी से। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बॉक्साइट जो है कटनी से उत्खनित किया गया है। फ्रेंड्स कटनी जो है वो चूना नगरी भी कहलाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट किस स्थान पर पाया जाता है? ग्रेफाइट और घड़ी बनाने का कारखाना एक ही जगह पर है और इसका आंसर है फ्रेंड्स बैतूल। बैतूल में जो है वो ग्रेफाइट पाया जाता है। अब नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में एच ई जी
की फैक्ट्री कहाँ स्थित है जो एशिया की सबसे बड़ी है? मध्य प्रदेश में HEG की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है जो एशिया की सबसे बड़ी है? इंदौर में, पीथमपुर में, मंडीदीप में या देवास में? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मंडीदीप में। मध्य प्रदेश में HEG की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? मंडीदीप में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अग्निरोधी मिट्टी के विक्षेपण कहाँ मिलते हैं? अग्निरोधी मिट्टी पूछा है, इसके विक्षेपण कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? तो यह है विंध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सफेद संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश में सफेद संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट में जो है यहाँ पर सफेद संगमरमर होता है और पिंक संगमरमर और हरा संगमरमर, इसका आपको बताना है कि ये कहाँ पर से प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। कमेंट करके आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, हीरा कैसा खनिज है? धात्विक, अधात्विक, बालू शैली का या क्वार्ट्स? तो इसका आंसर फ्रेंड्स अधात्विक, हीरा जो है वो अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई है? मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर है 1995-96 में मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति घोषित हुई है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा के समांतर मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के समांतर ही बहती है? तो कर्क रेखा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती है और नर्मदा नदी जो है वो कर्क रेखा के समांतर ही बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? इसका आंसर है जबलपुर से, जबलपुर रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का मध्य बिंदु यानी सेंटर पॉइंट माना जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स विदिशा को। मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट विदिशा है और भारत का सेंटर पॉइंट बैतूल है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये है 66% मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत 60% महिला साक्षर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है यानी सबसे ज्यादा साक्षरता दर कौन से जिले में है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या झाबुआ? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स जबलपुर में, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। भोपाल कुछ लोग बहुत कंफ्यूजन में लगा देते हैं लेकिन इसका आंसर है जबलपुर। अब नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स यही था आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अब इसमें सबसे कम पूछा है नरसिंहपुर, अलीराजपुर, श्योपुर या बड़वानी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे कि आंसर आप ABCD में बिल्कुल मत दीजिएगा, आंसर दीजिएगा नरसिंहपुर, अलीराजपुर, श्योपुर या बड़वानी। इसके बाद हम मिलते हैं करंट अफेयर की सीरीज ले में, और अगर आप हमें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो करंट अफेयर की सीरीज की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।